अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद, यू आर वाचिंग माय रिव्यूज। और इस रिव्यू वीडियो में जो हम प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं वो है 7kg टॉप लोड सैमसंग की वॉशिंग मशीन, जिसका मॉडल है WA70H4000। रिव्यू करने से पहले समय पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट हमारा चैनल अब 4000 सब्सक्राइबर अचीव करने वाला है। सो कीप सपोर्टिंग जो हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू के हम आपको हेल्प आउट कर सकें। सो एज आई टोल्ड यू, इसमें हम सैमसंग का 7kg टॉप लोड को रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इसके डिज़ाइन, इसकी साइजेस, इसके प्राइसेस, लाइक सब कुछ, इवन हम इसे डेमोस्ट्रेट भी आपको करके दिखाएंगे। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको परचेज करना है तो वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट कराची तीनथल वार पे है, एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट लाहौर पैकेजेस मॉल पे है, एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट रावतपिंडी इस्लामाबाद में, इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट हैदराबाद में। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दराज 11/11 पर 11th of November दराज पे जो हमारे ऑफिशियल मॉल है लाइक फ्लिप्स अप्लायंसेस और यामाहा म्यूजिक, इसके ऊपर हम अच्छे खासे डिस्काउंट दे रहे हैं। सो प्लीज डू चेक इट आउट, इससे आप काफी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो अब रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रिव्यू समय पहले हम डिज़ाइन से और प्राइस से स्टार्ट करते हैं। यू नो 7kg सैमसंग का ये जो मॉडल है एंट्री लेवल का एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और इसकी प्राइस है 46,999 रुपीज़, जो कि मैं समझता हूँ सैमसंग ब्रांड का जो ये वॉशिंग मशीन है इसकी प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर यूट्यूब सब्सक्राइबर सो डेफिनेटली आई ट्राई टू अरेंज गुड डिस्काउंट फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, प्राइसेस लाइक कंपनी हैज़ राइट टू चेंज प्राइसेस एनी टाइम, सो कीप नोट दिस थिंग। वॉशिंग मशीन के अब हम डिज़ाइन को देखते हैं। ये एंट्री लेवल का एक 7kg टॉप लोड है, लेकिन ये द बेस्ट थिंग, ये मेटल बॉडी है और जो कि काफ़ी सीम्स लाइक अ वेरी हाई क्वालिटी मेटल। और इसके अलावा जो इसका जो मेन्यू है, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आइस ब्लू LED लाइट इसमें इस्तेमाल हुई है, इसका जो मेन्यू है वो क्लियरली विजिबल होता है। जब हम डेमोस्ट्रेट करेंगे तो आप इसको मेन्यू भी, मैं आपको इसको क्लियरली दिखाऊंगा। और जो इसका डोर है, ये टेम्पर्ड ग्लास इसमें डोर इस्तेमाल हुआ है। और इसकी ख़ास बात ये, इसके ऊपर आप वेट भी रख देंगे तो ये डैमेज नहीं होगा और ना ये टूटेगा। अगर कलर की बात करूँ तो ये ग्रे कलर के अंदर अवेलेबल है। इनको मैं बैक से भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये वाटर इनलेट का यहाँ पे पाइप लगेगा कोल्ड वाटर के लिए, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाटर ड्रेनेज का पाइप यहाँ पर लगेगा। और ये इसकी प्रोटेक्टिव इसकी शील्ड लगी हुई है, सो बैक से भी इट लुक्स नाइस। इसके साथ जो सामान आता है वो भी दिखा देता हूँ। ये वाटर इनलेट का पाइप है, ये आता है, और ये प्रोटेक्टिव माउस ट्रे लाती है, ये भी इसके साथ आती है, और ये इसके साथ ड्रेनेज पाइप भी आता है। वॉशिंग मशीन को हम अंदर से भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी, इसका डिटर्जेंट बॉक्स है, यहाँ पे आप जो डिटर्जेंट होता है, जो सर्फ होता है वो डालते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है ये सॉफ्टनर का है, जो आपका लिक्विड होता है वो यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका यहाँ पर लिक्विड आ जाता है। और वॉशिंग मशीन को मज़ीद अंदर से देख लेते हैं। दी बेस्ट थिंग जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन में मुझे लगती है वो इसका डायमंड ड्रम है। ये डायमंड ड्रम है और इसमें आपको छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना, ये कपड़े को ना डैमेज होने देता है और ना ये टेंगल होने देता है। बेसिकली इसमें से वाटर थ्रो होता है तो आपके कपड़े ना टेंगल होते हैं ना डैमेज होते हैं, और जो कपड़ा आपसे इससे रगड़ता है तो वॉश भी फिर अच्छे से होता है। और ये डायमंड इसी वजह से कहते हैं, इसकी शेप सम लाइक अ डायमंड होती है, जो कि कपड़े को बेहतर तरीके से धोने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको उसका मैजिक फिल्टर भी दिखाया था, उसमें मैजिक फिल्टर भी अवेलेबल है, जो आपके छोटे छोटे जो कपड़े के रुआ होता है वो सब इसमें जमा हो जाता है, फिर जब बाई टाइम आप इसे ख़ुद भी वॉश भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फिर जो सर्फ के पार्टिकल होते हैं उसे भी मैजिक फिल्टर आउट कर देता है, तो कपड़े के ऊपर फिर जो सर्फ के पार्टिकल होते हैं वो जमते नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें वाटरफॉल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जो कि पानी को खींचती है अच्छे से और कपड़े को अच्छे से, कपड़े के ऊपर पानी थ्रो करती है तो कपड़ा आपका अच्छे से वॉश होता है। ओके, अब हम इस मशीन का जो आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है, जो इसके वॉश साइकिल हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। समय पहले जो आपको वाटर लेवल दिख रहा है, बेसिकली ये खुद से ऑटोमेटिक, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो खुद से ये पानी लेती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें कपड़े ज़्यादा हैं पानी कम है, या पानी कम है कपड़े ज़्यादा हैं, तो आप खुद से वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको एयर टर्बो दिख रहा है, ये बड़ा काम का फीचर है, क्योंकि ये जो आपके कपड़ों की ड्रायर जो ड्राइंग जो करता है, इसमें टाइम रिड्यूस कर देता है। और जो वॉशिंग मशीन का ड्रम होता है, बेसिकली ये उसे काफ़ी लाइक तेज़ी से उसे रोटेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी वजह से पानी निकल जाता है। तो फिर जो आपके कपड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े या शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, इवन ब्लैंकेट्स, तो ये कम से कम टाइम में उसे ड्राई कर देता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वॉश साइकिल है, इसमें वॉश साइकिल दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ब्लैंकेट लाइक चादरें धोनी हैं
या फिर आपको क्विक वॉश लेना है, या अगर आप जीन्स धो रहे हैं तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको फिर जो स्टार्ट पाउज दिया हुआ है इसे स्टार्ट करेंगे तो ये फिर आपका वॉश साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ अगर वॉश करना है तो आप कस्टम भी खुद भी अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ वॉश करना है या सिर्फ रिंस और स्पिन करना है तो डेफिनेटली आप इसे कमांड कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया इसके जो वॉश साइकिल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट भी आपकी ये वॉशिंग मशीन धो देती है, लाइक चादरें वगैरह। इसके अलावा जीन्स और अगर क्विक वॉश देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। डेलिकेट्स यानी कि आपके ऐसे कपड़े जो कि बहुत नाजुक होते हैं जिनको बड़े ख्याल से धोना पड़ता है, डेलिकेट्स का भी इसमें एक फीचर दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, आपके जो फजी जो आपको फजी दिख रहा है बेसिकली ऐसे फर वाले जो कपड़े वो भी आप इसमें उसका भी फीचर दिया उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, फजी में आपके जो स्वेटर वगैरह ये भी आ जाते हैं। सो दिस आर दी वॉश साइकिल और ये जो आप देख रहे हैं ये डिजिट में टाइम बता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लैंकेट सेलेक्ट करूँ या अगर मैं जीन सेलेक्ट करूँ तो टाइम ड्यूरेशन भी उसके लिहाज से बता रहा होता है। इसमें इको टब क्लीन भी अवेलेबल है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी टाइम से कपड़े धो रहे हैं, आपका टब जो है वो गंदा हो गया है तो ये वैसे तो ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देगा आपको, अदरवाइज ये खुद भी आप इसे सेलेक्ट करके इको टब क्लीन इसका कर सकते हैं। वन मोर गुड थिंग, ये जो क्लीन करता है बिना किसी केमिकल इस्तेमाल किए टब को क्लीन करता है। सो WS70H के मैंने आपको तकरीबन सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता दिए, आपसे डिस्कस कर लिए, इसका डिज़ाइन, इसकी प्राइस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, और जो इसका वॉश साइकिल है वो मैंने आपको बता दिया है, और इसके साथ जो इसके मेन फीचर जैसे कि इसका वाटर लेवल, एयर टर्बो, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इवन मैंने इसका डायमंड ड्रम, इसका डिटर्जेंट, इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है, आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्यूरी है, सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।